अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सजल मलिक और अभी मौजूद है एक प्यारी सी जगह पर। आज का हमारा सवाल बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास रिक्शा होता तो आप उसके पीछे क्या लिखवाते। मैं तो लिखवाती कि तुसी नंग जो साड़ी है, तो आप क्या लिखवाते कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आए हुए लोगों से जानते हैं कि वो क्या लिखवाते। सो लेट्स गो विद मी। मेरे साथ दो हान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हां, हम लोगों कोटे से आई है, तरबूज लाया इधर ही। कोटे से आई है? जी हां, लाहौर पर। इतनी दूर से क्या लेने आई है? क्योंकि उधर से तो उधर फसल होते है ना, इसका तो इधर अच्छा है आ जावे, इधर नहीं होएगा। लेकिन हम इधर से ईरान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, हम लोगों उधर से लाएगा पाकिस्तान के लिए। इधर लड़की ज्यादा प्यारी है या उधर की लड़की ज्यादा प्यारी? लड़की के हमने इधर बैठ गया, आप लोगों ने मीडिया पर बहुत सोच लगाया। अच्छा। ये हमको समझाओ भाई, गर्मी का मसला है, दूसरे मसला है, जात में मसला है, पठानों को अरे को है, इधर तो लेडीज को नहीं, हम लोगों इस पर आए पंजाब वाले। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? आदम खान। आदम खान, मुझे आदम खान लग रहा है। आदम इसका नाम है। अच्छा, इतनी लंबी हाइट कैसे? उर्दू नहीं बोला, ये पश्तो नहीं आती मारा। इतना लंबा कैसा? माँ बाप इसका इतना हड्डी है, इतना होएगा इसका बच्चे भी। इसका ये है, ये पहाड़ों इलाके में घर में कर रहे हैं। इसी ने बोला, हम उधर से उठाया है, कितने 1200 किलोमीटर सफ़र किया है, 1200 किलोमीटर की बावजूद इधर गर्मी को कीमत बिल्कुल नहीं है, 300-200 जा रहे हैं, हम लोगों का खर्चा पूरा नहीं कर सकते हैं, 2,80,000 किराया है इसका। क्या वजह से डीजल इतना महंगा हो रहा है? एक तो महंगा ही है अंदाजे से ज़्यादा, हम लोगों का खाने का, ऐसे आदमी है दो रोटी खाएगा तो ये आदमी 7 रोटी खा रहे हैं, ये नहीं बन सकते हैं। कौन सा सियासतदान पसंद आप? हम लोगों को इमरान खान जिंदाबाद, वो फैसले में भी ला, उसको भाग गया फिर आ गया। हम लोगों का इमरान खान ये वजह से तनख्वाह नहीं लेते हैं, दूसरे कंपनी नहीं बना रहा है, अपने कितने कमाई है वो भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों को खुश है। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। जरदारी के बारे में क्या कहें? जरदारी है वो, उसको हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बड़ों को बात मत करो, वो है चोर, वो है डाकू, वो है मुल्क का बेचने का चीज़। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ? नवाज शरीफ है वो, है वो अपने कंपनी अपने सरमाया बना रहे हैं, दूसरे बात नहीं है, मुल्क में आ जाएगा जोर इतना लगाएगा तो अपने कारोबार के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने टैक्सों के लिए, बिजली सारे उसके मुफ्त मिल जावे पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इमरान खान ने बाहर से बहुत पैसे लिए हैं, ये पता नहीं, अब रही आ जावे वो भी इसी आवाम को मिल जाएगा, दूसरे बात नहीं है, उसका खुद भी पैसे है ना, वो सरमाए भी इसी आवाम पर लगाएगा इमरान खान। अच्छा, कोई गाना सुना दे अब हमें। गाना हम लोगों नहीं आते, बुढ़ा हो गया, जवानी खत्म है, दिल तो जवान है ना। बिल्कुल नहीं आते, एक भी गाना नहीं आते, थोड़ा सा नहीं नहीं गाना, एक लोची गाना बस, ऐसे दीन का बताओ क्या बतावे वो ही बताएगा, लेकिन गाना हम लोगों के बस से। आपने रघु भाई की वीडियो बीबीसी पे तो देखी ही होगी, आज हमें लाइव मिले हैं रघु भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सादुल्लाह। सादुल्लाह, इतना अच्छा लुक कैसे? हम तो क्विटा में रहता है, उसका आवाज जो है ना वो स्पेशल होता है, हाँ खूबसूरत हवा होता है, खाना खाना जो होता है वो साफ चीज होता है। कोई गाना आता? गाना तो हमें नहीं आता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर आपके पास रिक्शा होता, रिक्शा पता है ना, उसके पीछे क्या लिखवाते? इमरान खान का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का तस्वीर लगाता हूँ। और क्या ऊपर लिखते? इमरान खान लिखता हूँ। जबरदस्त भाई, क्या जुनून है। अगर इमरान खान के लिए कभी जान देनी पड़गी तो दे दोगे? हम जान भी देगा, माल भी देगा। अपनी जान भी देगा? अपनी जान भी देगा। मैं तो आपकी जान यानी कोई लड़की की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप लड़की हो, मेरा बहन हो, लेकिन इमरान खान के लिए हम जो भी कुछ करना है। इमरान खान क्यों इतना पसंद है? यार असल वो जो है ना, वो पाकिस्तान का जो है ना खिदमतगार हुआ था, खिदमतगार है इसलिए वो पसंद है, वो इसलिए पसंद है। और उसको कुछ कहना चाहो तो? उसके लिए, वो इमरान खान के लिए मैं ये कहता हूँ, जब ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर ले, ऐसा काम कर ले जब पूरी पाकिस्तान किसी ने नहीं किया होगा। चलो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया।